हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंपिंग जून बुटीक। लेटेस्ट फैशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जंपिंग जून बुटीक। आज मैं आपको पैंट की डायरेक्ट कटिंग बताऊंगी कपड़े के ऊपर, जो हमको किसी भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी स्टिचिंग वाली पैंट है उसको रख के हम मटेरियल पे कटिंग देखेंगे। तो देखिए, ये एक रेडी पैंट है, ये रेडी पैंट है। इसको मैंने उल्टा किया हुआ है, उल्टी तरफ से ये है, सीधा इसका ये पार्ट है, तो मैंने उल्टा करके इसको रखा हुआ है। और ये मटेरियल है 2.5 मीटर मटेरियल है, जो ड्रेस के साथ आता है, ऊपर कुर्ती के साथ आया हुआ है। मैंने उसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। देखिए, ये देखिए, मैंने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। इस साइड से बंद वाला साइड है वो इस साइड रखा हुआ है, ऊपर से देखो डबल फोल्ड है। ये दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे हम। और जो हमारी रेडी पैंट है उसको मैंने उल्टा करा हुआ है, देखिए इस तरह से। और इसको हम जितनी लेंथ है उसके हिसाब से ऐसे रख देंगे। इधर से ये बंद कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है जो, ये बंद साइड है, और बंद साइड में मैं बंद साइड को रख रही हूँ इसी तरह से, ये देखिए। और ऊपर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो इलास्टिक में जाएगा ऊपर से 2 इंच, और 1 इंच अंदर दबेगा, तो इसलिए मैंने 3 इंच ऊपर से छोड़ दिया है। 3 इंच ऊपर से कपड़ा लेके छोड़ देंगे, ये देखिए 3 इंच ऊपर से छोड़ा हुआ है। उसके बाद से लिया, क्योंकि ये इलास्टिक फोल्ड करेंगे ना तो अंदर चले जाएगा। और हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये ऐसे ही निशान लगा हुआ है इसी पे सिर्फ सिलाई का निशान हम छोड़ देंगे, सिर्फ सिलाई का निशान। सिलाई जितना हम उनको अंदर जाएगा उतना सिलाई लेते हुए मार्जिन इस तरह से निशान लगा लेंगे। और नीचे में जो फोल्ड करेंगे, जितने इंच का आप फोल्ड करना चाहते हैं उस तरह से नीचे का भी एक्स्ट्रा मटेरियल ले लेंगे। मैंने 1 इंच नीचे फोल्ड करूँगी इसलिए नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने, ये देखिए। इस तरह से इसको भी नीचे निशान लगा लेंगे। और जो यहाँ से ये आसन की जगह है वो हम इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से इसका। और इसको ऐसे पहले सीधा मिला लेंगे, ये देखिए यहाँ से हमने सीधा मिला लिया है। उसके बाद ये जो पैंट है हमारी, इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। और यहाँ से 2.5 इंच, ये देखिए 2.5 इंच पे, यहाँ से 2.5, 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसको यहाँ से मिला देंगे, ऊपर से भी 2.5 इंच लेते हुए इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से हम अब ऊपर 3 इंच लेते हुए, यहाँ से ये 3 इंच लिया, और ये जो 3 इंच है इसको इस तरह से आसन से मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से ये हम कटिंग कर लेंगे। मेजरमेंट एकदम सही से देख लेंगे ना, जो अपनी पैंट है उसी के हिसाब से आगे रख के अब इसको आराम से इसको कटिंग कर देंगे। जो मेरी ये पैंट है ये अस्तर वाली है, ये थोड़ा सिंथेटिक कपड़ा है तो इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत है। मैं इसी तरह से अस्तर की भी कटिंग कर लूँगी, सेम जैसे हमने इसकी कटिंग की है उसी तरह से अस्तर की भी कटिंग कर लूँगी, सेम इसी तरह से दोनों की। ये देखिए, मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इसको बिछा दिया है, अब मैं इसकी अस्तर की भी कटिंग कर दूँगी इसी तरह से। अब ये देखिए, हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। जो अस्तर है उसको हमने ऐसे अटैच करना है, जो वन पार्ट है वो वन पार्ट को लेके ऐसे हमने इस तरह से अटैच कर लेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, अस्तर को अटैच कर लेंगे तरफ चारों तरफ से। मैंने चारों तरफ इसकी, ये देखिए, पूरा अस्तर को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में, ये देखिए इस साइड और इस साइड। अब हमको क्या करना है, जो ये आसन वाली सिलाई है ना, ये दोनों साइड लगानी है, ये देखिए इस साइड से सीधा, ये मेरा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से इधर लगाऊंगी ये वाले पार्ट में इस साइड से, और ये भी बैक पार्ट में भी सेम ऐसे लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद मैं उसको अंदर साइड से ऐसे, फिर ये ऊपर में इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ताकि हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़े। ये सीधा साइड दोनों सीधे साइड से मैं इस तरह से इसको सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको अंदर लॉक कर दिया है, मैंने आपको बताया था ना, इसको अंदर करने के बाद फिर इसको फोल्ड कर दिया है, ये देखिए कितने अच्छे से इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। और इसी तरह से हम इसे भी सीधे तरफ सिलाई लगाएंगे, ये जो आसन है इसको भी हम ये वाला नीचे वाले में इस तरह से अंदर से इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे, नीचे 1 इंच फोल्ड करने के बाद, जितना हमने फोल्ड करना है उतना फोल्ड करने के बाद
इसको भी सेम हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद उसको हम फोल्ड उल्टा कर देंगे और इस तरह से अंदर से सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम अपनी कमर के हिसाब से मेजरमेंट करके डालेंगे। जैसे ये इलास्टिक है, 1 इंच की मैंने डाली क्योंकि मैंने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था। तो इसको हम लेंगे, जो हमारी कमर का साइज़ है उस हिसाब से आप लेंगे। जैसे आपकी ये रेडी पैंट है, इसके हिसाब से आप देख लेंगे आपको कितना चाहिए। तो जैसे ये रेडी है पैंट, इसके हिसाब से आप फोल्ड कर लेंगे। देखिए मेरी इसमें इलास्टिक 1 इंच की ही है और इतना है। देखिए इसको डबल कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो इतनी इलास्टिक हमारी कमर में पड़ेगी और यहाँ थोड़ा सा सिलाई के लिए निकाल लेंगे, ये देखिए। और इसको इस तरह से लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद हम इसको इसमें इस तरह से पहले सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए इसी पट्टी को दोबारा इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर साइड, तो हमारी इलास्टिक आ जाएगी। मैंने ऊपर से मोड़ के इलास्टिक लगा ली है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इलास्टिक लगानी नहीं आती तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में इसके लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये देखिए नीचे से फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से ये पूरी सिलाई आ गई है हमारी। अंदर से भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए अंदर से सिलाई लगा के, और मैंने इसको सीधे में सिलाई लगा के फिर उल्टे में मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है, जिससे कि देखिए हमारी पैंट कितनी फिनिशिंग से तैयार हो चुकी है। देखिए कहीं भी से भी सिलाई दिख नहीं रही है, देखिए बहुत अच्छे से। ये देखिए ये सिलाई इधर से पूरा और इधर से एक भी मटेरियल धागा नहीं दिख रहा है, और बहुत अच्छे से हमारी पैंट रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।